हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 36A में, जहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ क्रिसुमी सिटी के बारे में, विच इज़ अ लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट विच इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय क्रिसुमी ग्रुप इन द लैंड एरिया ऑफ 65 एकर्स। यहाँ पर जो वीडियो बनाने का आज जो रीज़न है वो ये है कि वाटरफॉल रेसिडेंसी जो इनका 2019 के एंड में लॉन्च हुआ था, उसमें हमारे पास रीसेल में कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर हम वाटरफॉल रेसिडेंसेस की बात करें तो ये 5.5 एकड़ में प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको 3 हाई राइज रेसिडेंशियल टावर्स मिलते हैं, जिसमें आपको 2LDK, 3LDK और 3LDK प्लस यूटिलिटी एरिया का ऑप्शन मिलता है। साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो 1450 स्क्वायर फीट के आसपास इसमें 2BHK आपको मिलता है, और जो 3BHK है उसमें आपको 1955 से 1975 के बीच में आपको साइज़ मिलता है, और जो 3BHK प्लस इनका यूटिलिटी है वो आपका 2500 स्क्वायर फीट का एरिया उसमें निकल के आता है। तो इन तीनों साइज़ में हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। आपको CPR फेसिंग चाहिए तो उस तरह की भी इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है। बैक फेसिंग जो कि आपके इंटरनल प्रोजेक्ट की फेसिंग है, उस तरह की यूनिट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। हायर फ्लोर्स पे अगर आपको यूनिट्स चाहिए, चाहे लोअर फ्लोर्स पर आपको यूनिट चाहिए, मिडिल फ्लोर्स पर आपको यूनिट चाहिए, हर तरह की इन्वेंट्री हमारे पास है। अब बात करते हैं क्रिसुमी सिटी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 65 एकर्स का टोटल लैंड बैंक है इनके पास, जिसमें आपको जो एंट्रेंस है वो आपको दो तरफ से मिलता है। एक जो एंट्रेंस है इनका वो आपको CPR की तरफ से मिलता है, जो कि 90 मीटर वाइड रोड है, जो कि आपका एक तरफ आपको SPR से कनेक्ट करता है, दूसरी तरफ आपको कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे से। जो दूसरी एंट्रेंस इस प्रोजेक्ट के अंदर होगी, क्रिसुमी सिटी के अंदर जो होगी, वो आपकी होगी द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से। अब जो हम बात कर रहे हैं वाटरफॉल रेसिडेंसेस की, उसकी जो एंट्रेंस है वो आपको 90 मीटर CPR रोड से मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको 3 टावर्स मिलते हैं, G+34 फ्लोर्स की इसमें आपको हाइट रहेगी। उसके साथ साथ इसमें आपको 36,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस मिलता है। ये है हमारा फेज़ वन, जो कि 2019 के एंड में लॉन्च हुआ था। सेकंड फेज़ था, इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट, जो कि आपका 2.67 एकर्स में एक इंडिपेंडेंट टावर था, 2 से 3 दिन के अंदर ही वो टावर सोल्ड आउट हो गया था। क्योंकि लोकेशन इतनी अच्छी है, अगर आप यहाँ की लोकेशन देखोगे तो CPR बिल्कुल साथ में लगता है, क्लोवर लीफ साथ में लगता है, द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल साथ में लगता है, और सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है 1100 एकड़ की ग्लोबल सिटी। 1100 एकड़ की जो ग्लोबल सिटी है वो बिल्कुल इसके साथ में ही है, और साथ ही साथ 200 एकड़ का ग्रीन एरिया भी पड़ता है CPR के दूसरी तरफ। और यहाँ पे जो गुड़गांव के अंदर जो पहला हेलीपोर्ट बनने वाला है वो भी आपका इसी लोकेशन के आसपास है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं अपकमिंग यहाँ पे डेवलपमेंट्स है, जो कि क्रिसुमी सिटी को वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। और इसी वजह से पिछले 2 से 3 महीने के अंदर क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंसीज की रीसेल में बहुत ही ज़बरदस्त एप्रिसिएशन हुआ है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये है वाटरफॉल रेसिडेंसेस, ये कंस्ट्रक्शन स्टेज है। कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इंटरनल जो फिनिशिंग है उसका काम स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी एडवांस स्टेज पर इसकी कंस्ट्रक्शन है। और जो इसका पोजेशन आपको मिलना है, दिसंबर के आसपास डेवलपर आपको पोजेशन ऑफर करना स्टार्ट कर देगा। तो मुझे ये लगता है कि फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास इसमें लोग जो है वो आना स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ जो इसमें पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो है टाटा, और जो इसमें आर्किटेक्ट है जापान की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है निकेन सेकी करके, वो इसमें आर्किटेक्ट है। कंप्लीट क्रिसुमी सिटी, जो भी 65 एकर्स की ये क्रिसुमी सिटी है, उसमें जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा अलॉन्ग विद इंटीरियर वो सारा टाटा ही करेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ लॉबी के अंदर, जो एग्जैक्ट लॉबी आपके टावर की रहने वाली है, वो लॉबी यहाँ पे इन्होंने क्रिएट की है, वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की वो लॉबी रहने वाली है, और साथ ही साथ मैं आपको एक मॉडल पे आपको लोकेशन समझाने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि यू कैन हैव एन आइडिया कि किस तरह की लोकेशन है और आसपास की जो कनेक्टिविटी है वो किस तरह की। तो चलिए एक बार चलते हैं लॉबी के अंदर। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट लॉबी जो आपको आपके टावर के अंदर मिलेगी, ये बिल्कुल हूबहू उसी को आपके टावर की लॉबी है, वो ऐसी ही रहेगी। With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the
एक बार मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल, जिससे कि आसपास की लोकेशन, आसपास की डेवलपमेंट आपको समझ आ जाएगी और समझ आएगा कि किस तरह की लोकेशन पे क्रिसुमी सिटी लोकेटेड है। सो ये है 65 एकर्स में क्रिसुमी सिटी, जो कि आपका सेक्टर 36 ए पड़ता है। ये है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे और ये है आपका CPR, जिसके थ्रू आप SPR को आगे कनेक्ट करते हैं। ये आपका क्लोवर लीफ आ जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं वाटरफॉल रेसिडेंसीज की, तो वाटरफॉल रेसिडेंसीज जो है, ये फ्रंट के जो दो आपको टावर दिख रहे हैं अलग से कलर में, तीन टावर, ये आपका वाटरफॉल रेसिडेंसीज है, जो कि एज आई टोल्ड यू कि दिसंबर में इसका पोजीशन बिल्डर देना ऑफर करना स्टार्ट कर देगा। और ये है बाकी का एरिया इनका, जहाँ पर इनका फ्यूचर डेवलपमेंट आना है। जो थर्ड फेज है इनका, वो आपको नेक्स्ट ईयर या इस ईयर के एंड में आ सकता है। और ये है आपका स्टूडियो अपार्टमेंट का जो टावर था, स्टूडियो अपार्टमेंट का, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर सोल्ड आउट हो गया था। तो ये है जो आप ये ग्रीन एरिया देख रहे हो, ये 200 एकड़ का ग्रीन एरिया है, जो कि आपका क्रिसुमी के अपार्टमेंट से बिल्कुल सामने विजिबल रहता है। और उसके बिल्कुल साथ में ही अगर आप देखोगे तो गुड़गांव के अंदर जो हेलीपोर्ट बनना है वो यहाँ पे बनेगा, और बिल्कुल इसके साथ में ही ये है आपका 1100 एकड़ का ग्लोबल सिटी। सो अगर लोकेशन की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि चारों तरफ जो सराउंडिंग है क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंसेस के, वो सारी बहुत ही लग्जरी वाली डेवलपमेंट होने वाली है। तो लोकेशन बहुत ही शानदार है। आप चाहो तो SPR के थ्रू आप CPR से कनेक्ट करके सीधा प्रोजेक्ट के अंदर आ सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आते हो, तब भी आप द्वारका एक्सप्रेसवे CPR लेके इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री कर सकते हो। तो लोकेशन बहुत ही शानदार है और गुड़गांव के अंदर अभी क्रिसुमी एक ऐसी लोकेशन पे लोकेटेड है जो कि वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन मानी जाती है फॉर इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको लेके आया हूँ एक मॉडल रूम में, जहाँ पर मैं आपको वाटरफॉल रेसिडेंसेस का जो मॉडल बना है उसको दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका टावर ए है, टावर बी है, दोनों इकट्ठे हैं। टावर सी जो है वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, ये आपका टावर सी है। ये जो सामने स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हो, ये है 36,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, जो कि आपका लोडेड होगा हर तरह की एमिनिटीज़ के साथ। ये है आपके प्रोजेक्ट की एंट्री, इस तरह का एंट्री गेट होगा, एंट्री और एग्जिट, जैसा कि आप देख सकते हो। ये CPR से आपके प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री होती है। तो इसी में ही आपको पेंट हाउसेज के ऑप्शन भी मिलते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो टावर के टॉप में, ये डुप्लेक्स पेंट हाउसेज के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें आपको 4700 स्क्वायर फीट से लेकर 6500 स्क्वायर फीट तक के साइजेस मिलते हैं। डुप्लेक्स पेंट हाउसेज हैं इसमें आपको मिलते हैं। लोकेशन आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जिस तरह की लोकेशन है, जिस तरह की लग्जरी क्रिसुमी सिटी के अंदर क्रिसुमी डेवलपर आपको ऑफर करता है, तो ये अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत ही शानदार चीज़ है। और अगर आप एज एन एंड यूज़र इस लोकेशन पे आना चाहते हो, तो उस लिहाज से भी ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी निकल के आती है। एक बार मैं आपको इसका बैक दिखाता हूँ, जहाँ पर इस प्रोजेक्ट की जो एमिनिटीज़ हैं आपको, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह है, आपके जो ग्रीन एरिया है वो आपको मिलते हैं। तो ये है इस प्रोजेक्ट का बैक एरिया। इसका जो बैक साइड है, यहाँ पर आपको ये सारी एमिनिटीज़ मिलती है। स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ भी अगर आप देखोगे तो आपको स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ मिलती है। ये आपकी स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ है। स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ को थोड़ा सा उठाया हुआ है, सो दैट के जब भी आप वहाँ पे खेले तो कोई भी व्हीकल मूवमेंट की वजह से आपको डिस्टर्बेंस ना हो। जो मैं आपको ये बार बार जो बैक बता रहा हूँ, ये बैक नहीं है, ये एक्चुअली में प्रोजेक्ट का इंटरनल फेसिंग है। इसके बैक साइड में आपको 40 से 45 एकड़ का जो लैंड एरिया है, वहाँ पर दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच थर्ड फेज लॉन्च होगा, जहाँ पर क्रिसुमी ग्रुप अल्ट्रा लग्जरी हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स लेके आ रहा है। तो इसी प्रोजेक्ट में ये जो मैंने आपको दिखाया, ये था पेंट हाउस के बारे में। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हो। इसमें हमारे पास रीसेल में भी एक पेंट हाउस का ऑप्शन अवेलेबल है, और साथ ही साथ डेवलपर के पास भी एक पेंट हाउस का ऑप्शन है, तो उसके लिए आप हमारे नंबर से हमें कॉल कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंसेस। अगर आप भी रीसेल में इस लोकेशन पर वाटरफॉल रेसिडेंसेस के अंदर 2LDK, 3LDK और 3LDK+ यूटिलिटी के ऑप्शन देख रहे हैं,
तो हमारे पास बहुत ही अच्छी इन्वेंट्री के ऑप्शंस हैं, बहुत ही अच्छे प्राइस पर आपको ऑफर कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे जो कि मेंशनड हैं इस YouTube वीडियो स्क्रीन पर, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप हमें बता दीजिए, अकॉर्डिंगली हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट क्रिसुमी सिटी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।